लुधियाने तो एम पी राजा वड़िंग संसद दे विच शेर वांग गरजे ने, ना सिर्फ शेर वांग गरजे ने पर भावुक भी हो गए। इस तरह भावुक होए कि अपने मित्र सिद्धू मूसेवाले नूं याद कर लिया और संसद दे विच मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाले की चर्चा छिड़ गई। उन्होंने याद किया अपने पुराने मित्र नूं, अपने यार नूं, जिगरी दोस्त नूं, और याद करद्या करद्या उन्होंने इहो जिहियां तौहमतां जड़ियां ने मौजूदा केंद्र सरकार दे उत्ते के सुन वाला भी एक बार कंब जाएगा। उन्हों का बोलन का अंदाज इस रोक गंभीर नज़र आया और नाल दी नाल उन्हों का गच इस रुख भर गया सी कि साफ प्रतीत हो रहा है कि सिद्धू मूसेवाले नूं याद कर किवें भावुक हो गए ने राजा वड़िंग, किवें अपने दोस्त नूं, अपने मरहूम मित्र नूं याद करके भावुक हो गए राजा वड़िंग संसद दे विच। और ग्रेज़ नहीं किया उन्होंने कल्ली कल्ली गल दसण तों, ग्रेज़ नहीं किया इल्ज़ाम लाउण तों, और केंद्र सरकार दे उत्ते उन्होंने डट के इल्ज़ाम लाए ने मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला उहदे कतलकांड दे षडयंत्र दे विच कथित तौर ते जिन्हां ने जिम्मेवारी चक्की सी, लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड गैंग, उन्होंने बारे गल करदे ग्रेज़ नहीं किया राजा वड़िंग ने। और संसद दे विच उस वेले पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई जदों राजा वड़िंग ने मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाले का नाम लिया। संसद दे विच की कुछ होया, राजा वड़िंग ने अपने दोस्त नूं किवें याद किया, आओ सुनते हैं। सभापति साहब, हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति साहब, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है, बिलबोर्ड, जो बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले दूसरे तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या, मैं आज इस सदन को जानकारी और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से क्या हुआ 28 साल के नौजवान के साथ। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए, लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मार कर 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने, एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा, जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को, क्या होगा, 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं, सेराबंदी होती है, आपके भी होती है, डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की है। ये हालात है, आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं, और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें। Subscribe to One India channel and never miss an update.